गाइस हम लोग को लगा था मजाक, और देख सकते गाइस फाइनली तेजस आ गया है। और कैसे है तुम रे, तुम तो बोला कि नहीं आवेगा, तुम तो बोले नहीं आवेगा। गाइस एक बार कुआं चेक कर सकते हैं, अभी का टाइम 3 बजने जा रहा है, और देख सकते हैं गाइस क्या मस्त कुआं हुआ। और ये हम लोग का चौथा टोल टैक्स जिसपे हम लोग अभी रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। सबसे ज्यादा टूरिस्ट चिनार गया होगा गाइस, फाइनली लोग कोलकाता इन कर चुके हैं। देख सकते हैं गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है कोलकाता का, और मौसम भी बहुत तगड़ा हुआ होगा। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो कैसे आप सब लोग, मैं अच्छा हूं गाइस। तो काफी दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता था कि मेरा ऑगी का टायर कट चुका था, तो मैं बताया था कि कोलकाता जाऊंगा तो मैं टायर लेके आऊंगा, तो उसके बाद ही ब्लॉग ऑगी आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली गाइस आज मैं कोलकाता जा रहा हूं 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं जा रहा हूं और मेरे साथ दो दोस्त और जा रहा है, गोलू और आशीष, और गाइस दो लोग और नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि कुणाल और तेजस के प्लानिंग थे जाने के, बट उन लोग नहीं जा पा रहे गाइस क्योंकि एग्जाम चल रहा है उन लोग का। एग्जाम तो मेरा भी था, बट मैं फॉर्म वगैरह कुछ भी फिलअप नहीं किया था, तो मैं एग्जाम देना ही नहीं था, फिलअप नहीं किया इसलिए। बाकी गाइस उन लोग का 2 तारीख एग्जाम दे दिया, इस कारण लोग नहीं जा पा रहा है, क्योंकि फिर उन लोग को 1 तारीख को रात में ही लौटना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे गाइस, और गोलू जा रहा है और आशीष जा रहा है जिसके मैं बताया, बाकी मेरे मामा जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे पापा भी जा रहे थे। गाइस धनबाद तक तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा, धनबाद के बाद ही ब्लॉग करूंगा क्योंकि पापा का ट्रेन धनबाद से है, तो धनबाद से उनको कहीं और जाना है, तो वो धनबाद से वो चले जाएंगे, मैं धनबाद तक उनको ड्रॉप कर दूंगा। तो गाइस धनबाद के बाद मस्त ब्लॉगिंग करते हुए जाऊंगा, अभी तो गाइस उनको लेकर निकलता हूँ। बाकी हम लोग का 8 बजे का प्लानिंग था गाइस, अभी देखता हूँ कितना बजे तक निकलता हूँ। अभी का टाइम 7:30 हो चुका हूँ, सारे लोग को मैं कॉल कर दिया, सारे लोग का बैग वगैरह पैकिंग हो चुका है, मेरा भी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका हूँ, आज ही किया हूँ गाइस। उतना दिन से मतलब कि हम लोग को प्लानिंग था, बट पैकिंग वगैरह जो होता है जिस दिन जाना रहता है उस दिन ही होता है जल्दी जल्दी, तो आज सारा कुछ करके फाइनली अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाइस कार को मस्त साफ सफाई करने के लिए, उसके बाद फिर निकलूंगा हम लोग 8 बजे या 8:30 बजे तक, देखते हैं तभी निकलता हूँ। उसके बाद पापा को ड्रॉप करूंगा धनबाद में, उसके बाद फिर गाइस ब्लॉगिंग मस्त होगा, तो सब सारे लोग को मैं दिखाऊंगा और फिर सारे लोग से मिलाऊंगा, पापा को ड्रॉप करने के बाद होगा गाइस ब्लॉगिंग। तो चलता हूं और मिलता हूं धनबाद में सीधा आपसे। तो गाइस अभी का टाइम देख सकते हैं 1:01 हो चुका है, और फाइनली हम लोग धनबाद जंक्शन पहुंच चुके थे, और पापा भी अभी जस्ट अंदर चले गए, और बाकी देख सकते हैं मामा आए हुए थे कोलकाता से, तो ये भी जा रहे हैं मेरे साथ, और यहाँ पे आशीष है, गोलू है, और हम लोग मस्त 3 लोग दोस्त लोग अभी जा रहे हैं। उन लोग को भी बहुत बोले थे गाइस, रिक्वेस्ट किए थे चलने के लिए, बट नहीं किया, और अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं क्योंकि रास्ता में तो कहीं रुके नहीं थे, रुके थे कहीं नहीं रुके क्योंकि गाइस पापा थे, तो कहीं हम लोग रुके नहीं। बाकी अभी यहाँ पे धनबाद में उतरे, पापा अंदर चले गए, पापा को छोड़ दिए, हम लोग कार बाहर में पार्किंग किए, तो चलो तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, कार लेते हैं वहाँ से और फिर निकलते हैं, और रास्ता में भी कहीं रुकेंगे गाइस मस्त, ढाबा पे तो ऐसे रुकना नहीं, खाना पीना हम लोग खा के आए थे, तो चाय वगैरह पीने के लिए कहीं रुकेंगे, क्योंकि कुछ भी हम लोग मतलब कि जो गैस गाड़ी हम लोग खोले थे, लगता है लगभग हम लोग निकले थे 9:30 बज गया था हम लोग निकलते निकलते, और मस्त आराम आराम सा, इतना ज़्यादा कुआ था गाइस रोड पर क्या बताऊँ, बट जैसे जैसे करते करते हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और पापा छोड़ दिया मस्त 80 की स्पीड में चलना है, माइलेज वगैरह निकालते हुए, फ्यूल अप वगैरह भी करवाएंगे आगे कहीं पे देखें, क्योंकि झारखंड में अभी तो अभी पेट्रोल लेने में फायदा है, तो अभी चलते हैं कार के पास, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग मस्त यहाँ पे कार पार्किंग करके गए थे, और बगल में ही स्टेशन था, तो अब चलते हैं मस्त कार के अंदर गाइस, इतना ज़्यादा मतलब ठंड लग रहा है कि क्या बताऊँ, और अभी यहाँ पर गाइस कार में तो थोड़ा ठंड कम भी लग रहा है क्योंकि हीटर वगैरह हम लोग ऑन करके आए थे, नहीं तो गाइस अगर हीटर वगैरह ऑन नहीं होता तो फिर हम लोग को और भी झेलना पड़ जाता है। बाकी अब यहाँ से मस्त निकलते हैं गोलू, थोड़ा देख सकते हैं गाइस फॉग जम गया तुरंत कार में, गोलू कनेक्ट करो अपना। तो अभी गोलू के ही मैप से आए थे गाइस, क्योंकि मेरा मैप तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी गड़बड़ा जाता है। अच्छा गुड मॉर्निंग मैम, ये कार ही एक सपोर्ट है गाइस हम लोग को, कम से कम कार में तो कोई बोलता है गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, और शाम में इवनिंग मतलब जब भी होता है तो गुड मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून सब में बोलता है, मस्त चीज़ दिया है फैसिलिटी। बाकी अभी मस्त यहाँ से कार घुमाते हैं, और मस्त कार भी मोड़ चुके हैं गाइस, और यहाँ का रोड देख सकते हैं स्टेशन के बाहर कितना कंजस्टेड है, ये तो हर स्टेशन का कहानी है ऐसा। बाकी ये वाला जंक्शन रहा गाइस देख सकते हैं जहाँ से भी हम लोग गए थे पापा को छोड़ने के लिए, और देख सकते हैं गाइस मैप पे दिखा दो आशीष थोड़ा कितना दिखा रहा है, 273 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस, 7 बजे का टाइम दिखा रहा है सुबह, और अभी गाना क्यों ऑन कर दिया हमने, हेलो हेलो धनबाद 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 कहाँ, धनबाद जंक्शन पे है, बोलो जंक्शन पे तो हम भी है, कौची मजाक कर बोलो ना रे, कहाँ से तुम लोग बताओ, जंक्शन पे गेट पे थे, गेट अभी क्रॉस किए थोड़ा आगे बढ़े हैं, बोलो कार पार्किंग के पास आओ, आ रहे हम है? आ गया मेरा कार पार्किंग, धनबाद जंक्शन पहुंच गया तो ना भैया झूठ बोल रहे, नहीं रहोगे तो देख लो ना गोलू झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे, मजाक नहीं कीजिए भैया, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है हम कार पार्किंग के पास आ, जोधपुर आता है ना, जोधपुर नहीं रहा ना गोलू, अच्छा रुको तो
आ रहे हैं, रुको पजामा ढीला कर देंगे तुम्हारा गोलू। ठीक है आ रहे हैं। ठीक है तो गाइस अभी हम लोग वहां से आ गए थे और गोलू बोल रहा है कार पार्किंग से वो निकल रहा है बाहर, मेरे ख्याल से झूठ बोल रहा है भैया शायद, चलो ना देखते हैं नहीं तो फिर सुनेगा और का फोन करके सुनाएंगे फरदम। पहला तो गाइस ये लोग एग्जाम था, ये लोग आने के लिए बोला नहीं था, पता नहीं क्या सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्योंकि हो सकता आ भी सकता गाइस, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये अलग पैदल जब बोध गया से निकल गया था एक दिन गुस्सा में, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी कार पार्किंग के पास तो पहुंच गए, कहां और है कार पार्किंग के पास है? बस बस दो मिनट आ रहे हैं। अंदर हो तुम? हां अभी जस्ट लेना है तो आ रहे हैं, दो मिनट जल्दी आओ। गाइस हम लोग को लगा था मजाक और देख सकते गाइस फाइनली तेजस आ गया है। और कैसे है तुम रे, तुम तो बोला कि नहीं आवेगा, तुम तो बोला नहीं आवेगा और देख सकते हैं गाइस बोला था हम लोग कि नहीं जाएंगे, इसका एग्जाम भी था 2 तारीख का, कैसे चल जाएगा तुम? देख सकते गाइस मस्त लगेज वगैरह लेके बैग वगैरह लेके 1 तारीख को नहीं जाओगे? अब 2 को जाना पड़ेगा, ठंड कैसा लगा ट्रेन से आने में? ठंड बाहर से आने में क्या दिक्कत था? पापा के चलते जगह नहीं ना था तो गाइस पापा जैसे कि यार थे इसको हम बता देते पहले ही, और इसको पता था कि धनबाद में हम लोग मतलब रुकेंगे। देख सकते हैं लगेज किस टाइप से लगा हुआ है, ट्रॉली वगैरह सब डाल के एकदम मस्त, और पापा का लगेज अभी निकला था, थोड़ा जगह बचा है तो अभी तेजस का लगेज यहाँ पे हो जाएगा। अरे तो तुम पहले बताता हमको, चाह जाते चार ठो बैठ के कहा होता जोधपुर अभी अभी जानते हो, अगर 10 मिनट भी लेट होता ना तुमको तो हम लोग यहाँ से निकलना ही वाले थे, निकल ही गए थे हम लोग, आगे पहुंच गए तो उसके बाद तुम्हारा कॉल आया। लगा कि फोन करते हैं तो तेजस भी आ गया, तब ब्लॉग में तेजस भी दिखेगा, जैसे कि मैं बताया था कि तेजस और कुणाल नहीं जा रहा था। कुणाल नहीं आया, अच्छा गाइस कुणाल नहीं आया क्योंकि उसका एग्जाम छूटता इसलिए, और तुम्हारा एग्जाम छूटेगा तो क्या करोगे? अच्छा अच्छा तो गाइस अब मस्त आ चुका है तेजस भी, तो अब निकलते हैं यहाँ से, अब कोलकाता के सफर में और भी मजा आने वाला है अब यहाँ से, तो इसका उम्मीद नहीं था और ये नहीं रहता गाइस, तो बहुत सारे मतलब कि हम लोग दोस्तों में मजा नहीं आता, जैसे कि गोलू लोग भी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तेजस बोल रहा था कि हम नहीं जाएंगे। फाइनली अब आ चुका है तो मस्त सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं यहाँ से, लगा लो सीट बेल्ट और अब धनबाद से निकलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, बाकी किलोमीटर दिखाई दिए यहाँ से कितना पड़ रहा है, तो चलते हैं गाइस। लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को रुकने के लिए बोला था, और हम लोग अभी जस्ट वो वाले रोड से आए थे और इस तरफ अभी गए थे, इस तरफ जिधर अभी हम लोग को कार देख सकते हैं घुमा के फिर से जाना पड़ रहा है, और कैसे तो हम लोग अभी जंक्शन के पास ही रुके थे, वो भी रुके थे गाइस आशीष के चलते, क्योंकि आशीष लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाने पीने लगा था तो तुम खाओगे फिर ढाबा पे रुकते, पीछे बहुत सारा बिस्किट है खा लीजिए क्या, आशीष के बैग में बिस्किट है तो बिस्किट वगैरह खा लेना, बाकी गाइस मजा आ गया तेजस आ गया तो अब मजा आएगा ब्लॉग में आप लोग को भी, अब चलते हैं मस्त यहाँ से। तो गाइस धनबाद से हम लोग निकले, जैसे कि देखे तेजस भी आ चुका था हम लोग के साथ, और हम लोग हमेशा झारखंड में फिलअप कराते थे लेकिन इस बार गाइस बस गए हम लोग बंगाल में फिलअप करा रहे हैं। रेट देख सकते हैं गाइस 106 रुपया यहाँ है, देख सकते हैं गाइस 106 रुपया लीटर है। बाकी अभी यहाँ पे फिलअप वगैरह करवाते हैं निकलते हैं, बाकी एक शख्स को देख सकते हैं आशिक आज की नहीं छूट सकता इसका, बाकी सारे लोग को ठंड लग रहा था कार में बैठा हुआ है, और मैं तो फिलअप करवाना था निकला हूँ बाहर, अब यहाँ से फिलअप कराता हूँ फिर निकलता हूँ, ज़्यादा यहाँ से डिस्टेंस नहीं बचा हुआ, 230 किलोमीटर और है जो हम लोग आराम आराम से 80-90 चल के कवर करेंगे। बाकी देख सकते हैं गाइस ब्लैक शीशा तो सही से दिख भी नहीं रहा था, बाकी आपको दिखा दिया तेजस को दिखाता हूँ क्या कर रहा है अभी। अच्छा अच्छा देख के सो मत आप, अच्छा 30% मेन बात गाइस ट्रेन में आया है तो हरासमेंट हो गया इसको थोड़ा, कोई नहीं कल जाके वहाँ होटल में पहले रेस्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर मस्त देखते कहाँ निकलेंगे, कल 31st है गाइस तो कल निकलेंगे कहीं रात में मस्त इन्जॉय करने। पार्क स्ट्रीट में बहुत बार से सोचा हूँ जाने के लिए नहीं जा पाया हूँ, कल देखता हूँ जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ। बाकी यहाँ पर फिलअप वगैरह कराता हूँ, देख सकते हो करवा लिया हूँ 2000 का भी यहाँ लिया हूँ, बाकी सारा कोलकाता में मिलूँगा तो हो चुका है फ्यूलअप वगैरह, पेमेंट वगैरह करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। गाइस देख सकते हैं फ्यूलअप करवा चुका हूँ और देख सकते हैं फुल से थोड़ा सा कम है, जैसे कि मैं बताया कि पहले से पेट्रोल था, बाकी अभी 477 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग को हो चुका है और सारे लोग को देख सकते हैं अब नींद आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो अभी निकले अच्छा तल तत्ता, तो अभी गाइस यहाँ से निकले हैं, अभी रुके तो कहीं नहीं थे, धनबाद से भी निकले तो कहीं नहीं रुके, अब हम लोग अब रुके हैं गाइस क्योंकि मस्ती होने लगा तो थोड़ा लाइट वगैरह आ गए थे सारे लोग, तो अब हम लोग रुकेंगे मस्त आगे ढाबा पे चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है और कुआ तो इधर उतना नहीं है लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा कुआ था, हम लोग आए थे इतना ज़्यादा कुआ था कि क्या बताऊँ। गाइस एक बार कुआ चेक कर सकते हैं, अभी का टाइम 3 बजने जा रहा है और देख सकते हैं गाइस क्या मस्त कुआ हुआ, और ये हम लोग का रहा 4th टोल टैक्स जिस पे हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, देख सकते हैं 4 लोग बाहर हैं, बाकी एक शख्स को देख सकते हैं गाइस किस तरह से अंदर सो रहा है, बोले उतरने तो उतरा नहीं, पता नहीं इसको कितना ज़्यादा ठंड लग रहा है, पियो कि नहीं पियो कंफर्म बताओ पियोगे? ठीक है
तो गाइस चाय ये भी पिएगा, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सारे लोग चाय पियेंगे और मस्त यहाँ से निकलेंगे। ज्यादा दूर है नहीं अभी यहाँ से, बस 180 किलोमीटर और बच रहा है, उसको भी कवर करते हैं गाइस। मस्त ठंडा लग रहा है, बंगाल में भी पहली बार मेरे को इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है। गुहा भी देख सकते हैं कितना ज्यादा किया हुआ। तो गाइस यहाँ से चाय वगैरह हो चुका और फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और एक शख्स जैसे कि देखे ही आप लोग हमारे ब्लॉग में कि कार से निकला नहीं था और कार का गेट खोल के मच्छर घुसा दिया अंदर, जो गोलू को परेशान कर रहा है। अभी पता नहीं वो मच्छर कब तक परेशान करेगा। बाकी गाइस अभी हम लोग कितना किलोमीटर और, ज्यादा तो है नहीं यहाँ से, लगभग 200 किलोमीटर और बच रहा है। तो अब चलते हैं, मस्त एकदम एंजॉय करते हुए आए हैं और ठंड अब सारे लोग को लगने लगा। देख सकते हैं आशीष वगैरह भी टोपी वगैरह मार लिया क्योंकि ठंड इधर थोड़ा बढ़ चुका है गाइस। कुआ भी देख सकते हैं रोड पे लाइट के लिए कितना ज्यादा कुआ दिख रहा है। बाकी अब चलते हैं गाइस, फॉग चेक कर सकते हैं गाइस कितना ज्यादा है। देख सकते हैं गाइस सामने का ट्रैक मतलब कितना पास में है और कुछ वो भी नहीं दिख रहा था, अभी तो पास में आया तो दिख रहा। और लाइट वगैरह भी जो रोड पे लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट, उस पर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा फॉग जमा हुआ गाइस। मतलब क्या ही बताऊं, इतना ज्यादा कुहासा मिला हम लोग को कि अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना ज्यादा तो हम लोग सोच के भी नहीं आया था। जो भी ठंड बढ़ा है इधर दो दिन में बढ़ा है, उधर तो ठंड था ही नहीं और गया में भी ठंड बढ़ गया था दो दिन से, जैसे आप लोगों को पता कुआ वगैरह कर रहा था। और इधर हाईवे पे झारखंड में तो बहुत ज्यादा मिला था गाइस, इतना ज्यादा मिला था कि हम लोग गाड़ी 40 से ऊपर जा नहीं रहा था, आराम आराम से एकदम हम लोग चल के आए क्योंकि आगे का रोड कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तो मेरा फॉग लाइट था उतना तो संभाला भी। बाकी गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या चीज का ट्रैफिक है, थोड़ा ये पता नहीं क्या चीज का ट्रैफिक मिल गया गाइस। ये हमेशा कोलकाता जाने टाइम ये प्रॉब्लम करता ही करता, पता नहीं क्या चीज का ट्रैफिक है। इतना ज्यादा ट्रक वगैरह दिख रहा तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो होगा ही होगा गाइस। वहाँ पे जो ट्रैफिक लगा हुआ तो वहाँ से तो हम लोग बच बच के निकल गए कट वगैरह लेके। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लाइन से ट्रैफिक लगा हुआ है काफी देर से। बाकी देख सकते हैं गाइस ये रहा अपना बिल्लो रानी और सामने बहुत दूर तक जाम है। और ये ट्रक वाले भैया जो कुछ दिखा रहे हैं देख सकते हैं उसमें पूरा रेड है, मतलब बहुत दूर तक जाम लगा हुआ गाइस, बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैफिक है। देख सकते हैं कितना दूर दूर तक मतलब ट्रक वगैरह लगा हुआ और हम लोग फाइनली यहाँ फंसे हुए हैं बहुत देर से और पता नहीं ये जाम कब खत्म होने वाला है। और एक शख्स तो दम कार से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा तेजस, हम लोग तो निकले भी थे और अभी पूरा एकदम ट्रक का एकदम सीन आ गया, पूरा सील है भैया बता रहे जैसे कि आगे बहुत दूर तक क्योंकि इधर ट्रक वगैरह जाता है बालू वगैरह को इसके चलते। अब पता नहीं कितना देर में ये जाम हटेगा तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और अभी का टाइम कितना हो चुका है एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस अभी का टाइम 4:09 हो चुका है, मतलब कि हम लोग यहाँ से आधा घंटा कम से कम तो यही ट्रैफिक में रह गए, हम लोग आधा घंटा से तो ट्रैफिक में ही है। अब पता नहीं कितना देर में ट्रैफिक हटता है तो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी का टाइम देख सकते हैं 4:35 हो चुका है और अभी तक हम लोग ट्रैफिक में ही थे और फाइनली अभी ट्रैफिक खुला है। देख सकते हैं आगे वाला ट्रक पता नहीं सोया हुआ क्या है और अभी आशीष गया उठाने के लिए वहाँ ट्रक वाले को और वो सो गया है लगता है ट्रक में ही गाइस, इसलिए लगता है वो उठ नहीं रहा। काफी देर से सारे ट्रक वाले लोग हॉर्न मार रहे हैं तो अभी आशीष को मैं लास्ट में भेजा हूँ कि जाके उसको बोलो, नहीं तो हमारे पीछे बहुत सारा गाड़ी है गाइस, बहुत सारा देख सकते कितना सारा ट्रक है मेरे पीछे। और आशीष अभी आ रहा उठा के अभी बढ़ा है, देख सकते हैं अब बढ़ रहेगा गाड़ी। अच्छी हुआ था आशीष, कहा हुआ था सो गया था, अच्छा अभी बढ़ा रहा है। सबको उठा दिया, सबको सो हुआ था गाइस, इतना ज्यादा लंबा जाम लग गया था गाइस, सारे लोग सो गए थे, हम लोग तो बाहर थे तो सोना तो था गाइस, इतना ट्रैफिक में सो के क्या करेंगे। ये लोग ट्रक वाले लोग तो काफी दूर दूर चला के आते थे, इन लोग को नींद आ जाता है। बाकी गाइस अभी बड़े एक भैया मिल गया था ट्रक का, मैं पूरा ज्ञान ले लिया उनसे, इतना ज्यादा ज्ञान वो दिए कि क्या बताऊं। अगला महीना से हम लोग सारे लोग ट्रक चलाने लगे गाइस, इतना सारा ज्ञान दे दिया है। बाकी अब यहाँ से फाइनली देख सकते हैं गाइस निकल गए बहुत देर के बाद गाइस, इतना देर के बाद क्या बताऊं। गाइस अभी हम लोग डानकुरिन टोल टैक्स के पास पहुंचे थे और देख सकते हैं गाइस उस तरफ मस्त एकदम कितना सारे राइडर्स लोग खड़े हैं गाइस। जेडेस्ट चिनार भी देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, देख सकते हैं जेडेस्ट चिनार भी है और काफी सारे राइडर्स लोग लगता है संडे राइड पे निकले हुए हैं। बट मेरे को लगा कि बियर बाइकर सैमी भी है, पर बियर बाइकर सैमी तो देखने के लिए अभी तक मिला नहीं है गाइस मेरे को। बियर बाइकर सैमी भाई होते तो जरूर हम जाते हैं लौट के, बट अभी डानकुनी देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रैफिक है थोड़ा, तो अब हम लोग मुड़ के जा भी नहीं सकते वहाँ पे। और वहाँ पे था और सारे राइडर्स लोग थे, अच्छा लगता है मिलके थोड़ा, बट हम लोग बाइक से होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मैं कार से था और हम लोग भी देखते हैं, ऐसा तो लगता है कि जब हम लोग भी निकलते हैं तो कोई ना कोई हम लोग भी देखता होगा ऐसा। बाकी ये रहा हम लोग का कितना 4th/5 है टोल टैक्स, जो अभी एक लास्ट पड़ेगा हम लोग दक्षिणेश्वर पुल के पास, तो अभी ये वाला क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करके रुकेंगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा फिर से चाय वगैरह पिएंगे। अभी का टाइम भी देख सकते हैं गाइस 6:37 हो चुका है और कार चला चला के थक चुका हो, तो अभी रुकेंगे चाय वगैरह पिएंगे मस्त
उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से टोल टैक्स। और यहाँ पे भी हम लोग रुके हैं और ये रहा चाय गाइस सुबह सुबह का मस्त। और गाइस ये रहा हम लोग का लास्ट ब्रेक। अभी यहाँ से हम लोग जो निकलेंगे ना डायरेक्ट कोलकाता में रुकेंगे, तब यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस चार साइकिल से राइड करते हुए भाई लोग निकले हैं जो आज 170 किलोमीटर तक साइकिल चलाएंगे गाइस। समझ सकते हैं पीछे हम लोग बाइक राइडर लोग भी मिले थे। बाकी अभी यहाँ पर से निकलते हैं मस्त और चलते हैं कोलकाता, देखते हैं कितना देर और लगेगा। रुकते थोड़ा देर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। फाइनली हम लोग कोलकाता इन कर चुके हैं, देख सकते हैं मस्त बगल में दक्षिणेश्वर वाले ब्रिज है, मतलब बाली ब्रिज जिसे बोला जाता है। और इसके नीचे आप लोग गंगा जी और दक्षिणेश्वर मंदिर भी यहाँ सामने से दिखा जाता है। इस साइड से आगे से थोड़ा और आगे चलेंगे तो दक्षिणेश्वर मंदिर दिखेगा। बाकी देख सकते हैं गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है कोलकाता का, और मौसम भी बहुत तगड़ा हुआ हुआ गाइस। और अभी का टाइम देख सकते हैं 8 बजने जा रहा है, क्योंकि हम लोग काफी देर वहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे तो बहुत देर तक रुके हुए रह गए थे गाइस, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि बियर बाइकर सैमी शायद आए, इसलिए हम लोग रुके हुए थे। वो वहाँ से क्रॉस करते तो वहीं पे रुकते जहाँ पे राइडर्स ग्रुप दिखाए, तो वहाँ बहुत सारा गाड़ी गया गाइस। मतलब जितना देर हम लोग चाय वगैरह पिए उतना देर में गाइस कम से कम 10 से ज्यादा जिरेस्टिनार गया होगा गाइस। तो आप लोग समझ सकते हैं गाइस बियर बाइकर सैमी वहाँ पे तो आने का बनता था, तो हम लोग सोचे कि आएंगे तो हम लोग हो सकता है जाएंगे वहाँ पर, बट नहीं आए तो फिर हम लोग फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं। और अभी हम लोग हैं गाइस कोलकाता के हाईवे पे, मतलब इन कर चुके हैं कोलकाता। अब ज्यादा देर हम लोग का है नहीं, जहाँ पे हम लोग को जाना है वहाँ पर 8 किलोमीटर दिखा रहा 17 मिनट। अभी चलते हैं मस्त होटल में और गाइस एक मस्त ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। बाकी मिलते हैं गाइस अब सीधा आपसे होटल में, क्योंकि अभी कोलकाता की सिटी में ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। एक तो जागा हुआ हूँ, अब बोलने का एकदम मन नहीं कर रहा। सीधा मिलूंगा आपसे होटल में गाइस, तो चलता हूँ मस्त ये रोड का आनंद लेते हुए। तो गाइज ये देख सकते हैं बिल्लू रानी को फाइनली वहाँ पार्किंग कर दी है। और गाइज यहाँ से सीन देख सकते हैं क्या मस्त आ रहा है। बाकी ये होटल का रूम रहा अपना, देख सकते हैं यहाँ गोलू फोन चला रहा है और यहाँ रहा तेजस जो अपना शक्ल देख रहा है। कार में आते आते कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो चुका है इसलिए। बाकी आशीष गया हुआ है गाइज वॉशरूम में और मस्त हम लोग पहुंच चुके हैं एंजॉय करते करते। इसका तो नहीं था प्लानिंग, कैसे आया बताओ तुम? अचानक से गाइस, मतलब कि हम लोग को शाम तक ये नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं। और ये अचानक से रात में कितना बजे पकड़ा था जोधपुर? 8 बजे, 8:30 जोधपुर रहता है उस टाइम में पकड़ा था गाइस। और फाइनली 1 बजे वहां पहुंच चुका था बिल बुलाए बारात और हम लोग गाइस को रिसीव की फिर वहां से। और कैसे तो कॉल भी सही टाइम पे कर दिया था, तो अभी यहाँ पहुंच भी गया है और पोज मार रहा है फोटो का, देख सकते हैं सब लोकेशन ढूंढ रहा है कैसे कैसे फोटो वगैरह लेना है। तो अभी मस्त गाइस यहाँ पे आ चुके हैं, ब्लॉग को मस्त एडिट करते हैं और देखते हैं पोस्ट आज हो पाएगा या कल होगा, कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी का टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, एडिट करते करते भी टाइम लगेगा, तो देखते हो पोस्ट हो पता है नहीं। बाकी गाइस बहुत मजा आया ट्रिप पे और मामा को ड्रॉप कर दी घर पे, फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी तो कहीं जाएंगे नहीं, रेस्ट करेंगे, शाम में निकलेंगे 31 दिसंबर सेलिब्रेट करने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते डिसाइड करेंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉग यहीं तक था गाइस, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर अपने चैनल पर न्यू गाइस चैनल सब्सक्राइब लिया, मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से।